मैं दिलदार नगर रेलवे स्टेशन जाने वाला मुख्य मार्ग हूं। आप मेरी जो हालत देख रहे हैं इसका जिम्मेदार मैं नहीं, संबंधित विभाग और अधिकारी हैं। वाहनों के दौड़ने से मेरी हालत दिन पर दिन बदहाल होती गई, लेकिन मेरे जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया गया। नाली जाम होने से पानी लग रहा है, इससे मेरी हालत और भी खराब होती जा रही है। मेरी बदहाली का दायरा बढ़ता जा रहा है और मेरी सेवा लेने वालों की परेशानियां। मुझे भी उस समय बहुत कष्ट होता है जब गड्ढा रूपी मेरे जख्म की वजह से मेरी सेवा लेने वाले गिरकर घायल होते हैं। तेज बारिश होने पर मेरा रूप नदी में बदल जा रहा है। इस दौरान मेरे अगल बगल रहने वाले लोग परेशानियों के लिए मुझे कोसते हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरी नासाज हालत की जानकारी जनप्रतिनिधियों के साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी है, लेकिन वो मेरी दशा को सुधारने को लेकर गंभीर नहीं हो रहे। मैं आपको कष्ट देने के लिए शर्मिंदा हूं। अभी आपने दिलदार नगर रेलवे स्टेशन जाने वाली मेन सड़क का दर्द सुना। ये सड़क 24 घंटे चलती है, लेकिन इसके दशा सुधारने वाला कोई नहीं है। दिलदार नगर पावर हाउस के पास 500 मीटर तक बड़े बड़े गड्ढे हैं। नाले का पानी इन गड्ढों में हमेशा भरा रहता है। राहगीर गिरकर चोटिल होते हैं और दुकानदार अपना काम नहीं कर पाती। आइए यहीं के एक सज्जन से उनकी परेशानी को सुनते हैं। मैं राजू राय, दिलदार नगर से। पिछले 3-4 वर्षों से इस नगसर और मेन दिलदार नगर जंक्शन का ये मुख्य मार्ग, जो कि पिछले 3-4 सालों से या तो नाले का पानी हो या बारिश के पानी से जल भराव, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई रहती है। बड़े बड़े गड्ढे जिसके चलते जनमानस को तो आने जाने में असुविधा होती ही, ट्रेन के यात्रियों को भी आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और नेता क्या इस रोड पे नहीं आते, आते जाते रहते हैं, क्या उन्हें पता नहीं कि हमें इसको देखना चाहिए, इसको बनवाना चाहिए? ये मुख्य मार्ग है, स्टेशन से जुड़ता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। और मैं यहाँ के स्थानीय विधायिका महोदया से यह रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि वो निश्चित रूप से इस पर ध्यान आकर्षित करके और इसको अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें। आपको बता दें कि 3 साल से मार्ग पर मरम्मत कार्य नहीं होने से सड़क पूरी तरह से टूट गई है। इस सड़क पर विद्युत उपकेंद्र, 4 निजी स्कूल, हॉस्पिटल और तमाम दुकानें मौजूद हैं, लेकिन लोगों की इस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।